नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापम गुरु जी में। और हम आज बात करेंगे भारत के, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो टोटल अगर हम इनकी नंबर्स की बात करते हैं तो 18 हैं ये नंबर में बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, इसको अगर हम देखें, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था, मध्य प्रदेश का मैंने एक वीडियो बनाया था NS एजुकेशन चैनल के ऊपर, कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और आपका नेशनल पार्क है, मैंने आपको बताया था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये आप इनका एरिया जो है वो अच्छा खासा एरिया होता है, इवन के एक से दो स्टेट्स में भी ये हो सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटिक जीके का ये हमारा पार्ट है। और स्टेटिक जीके में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। व्यापम में तो बिल्कुल फेवरेट ये टॉपिक है, चाहे हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, चाहे हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, और चाहे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। तो चूंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत सारी हैं पूरे के पूरे भारत में, लेकिन नेशनल पार्क और जो रिजर्व हैं ये कम है। जैसे ये 18 हैं, नेशनल पार्क का भी ये कम है। मतलब इनको हम मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, क्योंकि इनको याद किया जा सकता है, और नेशनल पार्क से भी बन सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 30 से ऊपर है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको हम याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि व्यापम में अभी जैसे हाल में ही MP कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है, वहां पे इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर सेक्टर में पूछे जा रहे हैं। तो चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैं ये बायोस्फीयर रिजर्व का आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं नेशनल पार्क जो है इंडिया के उसके बारे में। तो ये इंडिया का पूरा स्टेटिक जीके का हमारा सीरीज होगा, जिसमें हम पूरा स्टेटिक जीके बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली इसका एक वीडियो आपको मैं अपडेट दूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले है हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो है आपका गुजरात में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि एक तो आपको नाम दे देंगे कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है आपका ये किस स्टेट में है, दूसरा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से गुजरात में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपसे स्थापना का भी वर्ष इससे पूछा जाए, इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनसे थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन। इसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में, आप यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसी के साथ सुंदरबन, जो सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनते हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, इसकी भी जो स्थापना है 1989 में ही हुई थी। सुंदरबन नेशनल पार्क है, लेकिन ये अब बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आ गया है। इसको ऐसे देख सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो छोटी होती हैं, इससे बड़े फिर आपके नेशनल पार्क होते हैं, और इससे बड़े फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स अच्छा खासा एरिया मतलब कवर कर लेते हैं, मतलब इवन कई बार दो स्टेट में भी ये पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट का ही मैं आपको बता देता हूं कि मतलब लगभग 7500 से भी ऊपर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, और ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए आप मैप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी ये दिखा रहा, जो लद्दाख वाला एरिया है, मतलब ये लद्दाख से लेके यहाँ तक फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश तक। तो दोनों चीज पता होना चाहिए आपको, 2009 में इसका मतलब आया था एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। आप यहाँ पे मैप में देखें इसको, ये है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पड़ता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एरिया में इसमें फैला हुआ, जिसमें आपका केरल को इंक्लूड करता है, तमिलनाडु को भी इंक्लूड करता है, और कर्नाटका को भी इंक्लूड करता है, ये तीन स्टेट में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है दिहांग दिवांग, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, अभी हाल में ही MP कॉन्स्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिहांग दिहांग के नाम से आया था, दिहांग के नाम से भी आ सकता है, या फिर दिहांग दिबांग के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में।
या फिर देख सकते हैं दिबांग ये वैली है आपकी, ये एरिया है जहां पर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश में ये पड़ता होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में ही हैं, जो आपका है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और एक है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा एक है अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये छत्तीसगढ़ में भी कुछ आता है और कुछ ये मध्य प्रदेश में भी आता है। चलिए आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शेषाचलम हिल्स, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, 2010 में ये आया था एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट है सिमलीपाल, ये है आपका उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क पड़ता है आपका उड़ीसा में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि सिमलीपाल जो है वो कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट इनके नाम से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे शेषाचलम है, चलम अगर इसके बाद में लगा हुआ है मतलब ये संस्कृत का कोई वर्ड होगा, क्योंकि ये अम इस तरीके के जो वर्ड होते हैं यहीं तरफ होते हैं, मतलब ये कहीं साउथ का ही होगा। तो अगर मान लो कभी आपको तुक्का लगाने की नौबत आ जाए तो इस तरीके से भी दिमाग यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अचानक मर अमरकंटक, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, 2005 में ये एग्जिस्टेंस में आया था, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। इसके बाद है मानस, ये मेरे ख्याल से आज के ही या कल के एग्जाम में ये पूछा गया था, मतलब 22 या 23, 23 या 24 के एग्जाम में ये पूछा गया था अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, 1989। नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये पड़ता है हमारा सिक्किम में, तो मानस जो है आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है। और इसके अलावा जब हम सिक्किम में पहुंचते हैं तो यहाँ पे है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, 2002 में 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये पड़ता है आपका केरला और तमिलनाडु में, यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे है ये आपका, थोड़ा यहाँ पे तमिलनाडु का भी एरिया आता है और ये केरल का एरिया आता है। तो अगस्त्य मलाई ये है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और 2016 में ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को जो है आपका, यूनेस्को की जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, ऐसे ही इसका एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है मैन एंड बायोस्फेयर रिजर्व, ऐसा कुछ करके नाम होता है, पूरी लिस्ट उसकी आती है, उसमें 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। हालांकि बहुत सारे हैं इनमें जिनमें जिनको इंक्लूड किया गया था, तो वो मैं ये चीज यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, करीब 18 में से 10 हैं जो आपके इस लिस्ट में शामिल है, इस प्रोग्राम में शामिल है, मतलब ये वर्ल्ड लेवल का अब एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पड़ता है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में ये पड़ता है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नॉकरैक, तो ये पड़ता है मेघालय में और 1988 में इसकी स्थापना की गई, मेघालय में ये पड़ता है। नेक्स्ट है डिब्रू सेखोवा, ये पड़ता है आसाम में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पन्ना, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, 2011 में ये मतलब इसकी स्थापना की गई थी और बायोस्फीयर रिजर्व में ये इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे बायोस्फीयर रिजर्व, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, व्यापम गुरु जी का जो टेलीग्राम चैनल है वो एनएस एजुकेशन का ही चैनल होगा, हमारा सिर्फ यूट्यूब जो है आपका वो अलग रहेगा, इसके अलावा चैनल सेम रहेगा और हमारा फेसबुक का पेज, फेसबुक के ग्रुप, ये भी सारे सेम रहेंगे। इसके अलावा हमारी ये वेबसाइट है, ब्लॉग है, इस पे आपको डिफरेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा एनएस एजुकेशन पे भी हमारे वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, तो आप ये नहीं सोचें कि व्यापम गुरु जी में काम स्टार्ट कर दिया है तो अब एनएस एजुकेशन में कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें, यहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे।
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इन वीडियोस को, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।